आज मैं आपको दिखाने जाने वाला हूँ। यहाँ पर हमने 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर सोलर सिस्टम का कैसा है। ये 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम है। अदानी के पैनल है 530 वाट के। और अगर आप देखोगे तो पैनल जो है ना, तो ये बायफिशियल है। जनरेशन इन पैनल में ना दोनों साइड से ही होता है। मैं आपको ऊपर जाकर दिखाता हूँ, एक मिनट। ये आप देख सकते हैं ऊपर से जो सोलर के पैनल बिठाए हुए। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो सोलर सिस्टम का जो एंगल रहता है पैनल का, जो टिल्टल रहता है, जैसे ये एंगल होगा, ए वाला एंगल, तो ये जो एंगल रहता है ना, ये 15 डिग्री का रहता है, 15 डिग्री। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनके कनेक्शन हमने कैसे किए थे। तो ये आपको ये पैनल दिख रही है, ये पैनल और ये पैनल हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। एक, दो पैनल, ये तीन पैनल, ये चार पैनल और ये पाँच पैनल। टोटल पाँच पैनल है इस सीरीज में कनेक्ट किए हुए, पाँच पैनल। और यहाँ से जो सप्लाई आ रहा है सीरीज में ही है, यहाँ से और एक पैनल कनेक्ट किया वाला है। ये पैनल और ये पैनल और ये पैनल, मतलब टोटल 8 पैनल जो है ना, तो सीरीज में कनेक्ट किए हुए 8 पैनल सीरीज। और ये 8 पैनल जो है वो भी पैरल सीरीज में कनेक्ट किए हुए, मतलब टोटल 16 पैनल है। 16 पैनल जो वो 8 पैनल सीरीज में और 2 पैनल पैरेलल में, ऐसे दोनों के दो कनेक्शन किए हुए। अभी मैं नीचे जाकर आपको इन्वर्टर के कनेक्शन बताता हूँ कि हमने कनेक्शन कैसे किए। एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ सोलर का स्ट्रक्चर, जो फैब्रिकेशन हमने किया है वो दिखाते हैं। देखिए, ये टोटल ही सोलर का कनेक्शन है, ऐसे निकाल हुआ है, ये देखिए। और ये तो आपको मालूम है वाटर हीटर है। इसके बारे में कभी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखिए, यहाँ से जो पाइप आ रहा है, आप देख सकते हो पाइप, ऐसे हमने कनेक्शन लिए सोलर के। यहाँ से देखिए, ये ऐसे यहाँ से कनेक्शन लिए हुए, यहाँ पर एक कनेक्शन यहाँ से नीचे गई है, दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, तो अभी देख सकते हैं इन्वर्टर। तो इन्वर्टर का जो फंक्शन जो होता है, तो इन्वर्टर का फंक्शन यही होता है कि एसी करंट में डीसी करंट को, एसी करंट को डीसी करंट में इन्वर्ट करना। फंक्शन जो होता है वो इन्वर्टर का होता है। ये होगा इन्वर्टर। देख सकते हैं यहाँ पे जो दो दो स्ट्रिंग है, ये यहाँ से दो स्ट्रिंग आई। मैंने आपको जो ऊपर बताया था, ऊपर से हमें दो स्ट्रिंग की है, 8-8 पैनल की, 8 × 16, तो वो दो स्ट्रिंग है। और ये आउटपुट जा रहा है। और यहाँ से जो देख रहे हैं, ये एसी सप्लाई, यहाँ से हमने सप्लाई जो लिया है, मतलब यहाँ से इनपुट दिया, यहाँ से आउटपुट हमने एसी में लिया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अरे यहाँ पे जो मीटर बैठा है, ये मीटर जो है तो 3 फेज के मीटर है। तो आप देख सकते हैं ये जो मीटर, इसका नाम है जनरेशन, ये नेट मीटर होता है, ये रीडिंग मतलब है। और ये जो मीटर है, ये जनरेशन मीटर, मतलब आपने कितनी एनर्जी जनरेट की है। आपको दिखा दो, यहाँ से जो ये वायर आया हो ना, ये वायर यहाँ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वायर जो है वो इनपुट को गया हुआ है। इनपुट मतलब वहाँ से इनपुट जो है होकर यहाँ से MCCB में जाता है, यहाँ से MCCB में जाता है। और जो MCCB की जो वायर होती है, MCCB की सप्लाई जो मेन इनपुट सप्लाई, ये आप देख सकते हैं, ये RYB रेड कलर का जो MCCB की सप्लाई। और आउटपुट जो आ रहा है MCCB का, यहाँ से नीचे से आ रहा है, दोनों भी आउटपुट नीचे से आ रहे हैं। मतलब इसका फंक्शन यही होता है, इस मीटर का फंक्शन यही होता है कि अगर हमें जितनी एनर्जी चाहिए, अगर हम जनरेट कर रहे हैं 20 यूनिट और हम दिन में यूनिट कर रहे हैं 10 यूनिट,
और रात को हमें लग रहे 10 यूनिट, तो हम क्या कर रहे हैं दिन में 10 यूनिट कंजम कर रहे हैं और 10 यूनिट जो है ना MSME को भेज रहे हैं इसके थ्रू, नेट मीटर के थ्रू। बट उसके थ्रू भी हम रात को 10 यूनिट जो हमने जनरेट किए थे वो वापस ले रहे हैं। तो इसका फंक्शन ही होता है कि इसको हम क्या कहते हैं बायडायरेक्शनल मीटर। तो अगर आपको ऐसे सोलर सिस्टम बिठाना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 8080601178। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको किस रिलेटेड वीडियो चाहिए अगर आप मुझे बताओ तो मैं उसको उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।